हम सबको बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से गुज़श्ता कई माह से पीटीआई और उसके वर्कर सपोर्टरों के साथ जो ज्यादतियाँ की जा रही हैं, पीटीआई का आज़म मुस्तहकम है। खान साहब डटे हुए हैं और खान साहब का यही पैगाम है कि इंशाल्लाह हम आखिरी बाल तक लड़ेंगे, हम आखिरी बाल तक अपना जदोजहद जारी रखेंगे। हमारा स्ट्रगल रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, हमारा स्ट्रगल जमहूरियत के लिए, हमारा स्ट्रगल इंसाफ के लिए, हमें अदालतों से तवक्को है इंशाल्लाह ताला वो इंसाफ करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से फुरजोर मुतालबा करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस ग्राउंड पे बेल दी गई है, आप काइंडली सोमुटो ले ले इस बात पे, इस बात के तह तक जाएं कि जिसको बेल मिली, जिसके खिलाफ कोई एक भी केस नहीं बना, उसको रातों रात 12 केस में कैसे शामिल किया गया। जिस तरीके से लोगों से पेपर छीने गए, जिस तरीके से लोगों को जदोकोब किया गया, जिस तरीके से जमहूरियत के इस प्रोसेस इलेक्शन से उनको बाहर रखा गया, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट जरूर अपनी अदालत लगाए। अगर आरोपी अदालत लग सकती है तो सुप्रीम कोर्ट से इल्तिमास है कि इस बात पे भी अदालत लगाए कि सारे प्रोसेस को कौन दागदार कर रहा है। अगर इलेक्शन फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ना हुए तो इकॉनमी का नुकसान होगा, जमहूरियत तबाह हो जाएगी, अवाम को उनके मुंतहब नुमाइंदे नहीं होंगे, रेल जो हार्स ट्रेडिंग है उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो आईन और कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है। हम अदालत से उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए इस मामले में जरूर इंशाल्लाह ताला कोई इकदाम करेगी। लेकिन हम पीटीआई के वर्कर सपोर्टर को यह पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपने हौसला रखें, आप पुरमन रहे, अपने स्ट्रगल में रहे। इन सख्त हालात के बावजूद आपके सबसे ज्यादा लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए है, इंशाल्लाह ताला आप मजबूत रहें। खान साहब का यही पैगाम है कि अपना स्ट्रगल रहे और पुरमन रहे, इंशाल्लाह ताला जीत आपकी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो जी ये बताइएगा, इस वक्त जो सबसे बड़ी लोगों की नजर है या पीटीआई की नजर है वो बेसिकली है कि खान साहब क्या इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे, इस वक्त क्या पोजीशन है लीगली, आप देखते हैं कि क्या खान साहब बाकी इलेक्शन लड़ सकते हैं, कितने हलकों से? देखिए, खान साहब की हमारी चाहत है कि वो खान साहब इलेक्शन लड़े और हमारी यही सबमिशन है कि खान साहब क्वालिफाइड है और इलेक्शन लड़ सकते हैं। खान साहब की तो क्या बाकी वर्करों को भी लड़ने नहीं दे रहे, यही हमारी स्टेटमेंट थी कि नवाज शरीफ जिस प्लान के तहत आया है वो तो पूरे टीम को लड़ने नहीं दे रहा, सिर्फ एक लीडर और दो के और तीन की बात नहीं, वो तो किसी और को भी लड़ने नहीं दे रहा। वो आपके हुजदार से लेके केपीके के कोहिस्तान तक जाए, हर जगह में कोशिश की गई कि वहां से लोगों से उनके नॉमिनेशन पेपर की आने में, सबमिशन करने में मुश्किलात पेश आ रही है। तो आईन कानून के मुताबिक खान साहब क्वालिफाइड है, हम अदलिया से उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला खान साहब की नॉमिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट होंगे, अगर वो रिजेक्ट भी करते तो अपील अलाउ होगी और इंशाल्लाह वो पार्टिसिपेट करेंगे। गौर साहब ये बताएगा जो हुक्म इम्तना मिला है साइबर केस में, अब इस ट्रायल की क्या नोयत है, क्या है? देखो, कल इस ट्रायल में डेट है, कल तो शायद जज साहब आएंगे, अब नेक्स्ट की जब डेट देंगे, चूंकि प्रोसीडिंग्स खत्म हो चुकी है इसलिए नेक्स्ट कल जो डेट मिलेगी वो 11 तारीख की बाद की डेट होगी। देखो, हम पहले दिन से जज साहब को भी अरेस्ट करते रहे, हम हुक्म इम्तना 11 तारीख तक, तो 11 तारीख की बाद की कोई डेट पड़ेगी। तो गौर साहब ये बताइएगा, जैसा आपने गुज़िश्ता जो स्टेटमेंट दी कि वो तमाम लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई को छोड़ा है उनको पार्टी टिकट नहीं मिलेगा, जबकि ये बिल्कुल सही है, चेयरमैन बनने से पहले ये बयानिया था कि उनको जोर जबरदस्ती के साथ जो है वो पीछे धकेला गया, उनके लिए नर्म गोशा था? नहीं, देखे हमारी दो चीजें, नहीं नहीं हमारी दो चीजें, वो हमने एक पॉलिसी स्टेटमेंट ये भी दी है और वो भी थी, हम जरूर ये रखते हैं कि कुछ ऐसे लोग इनमें इन्वॉल्व है कि उनके और उनकी फैमिली पे बाकी बड़े सख्त हालात आए जिनसे मजबूर होकर कि वो अगर कोई प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली तो कुछ सरकमस्टांसेस में कर ली, लेकिन हमारे वर्कर सपोर्टर है और पार्टी की एक पॉलिसी है, मुतफक्का पॉलिसी यही है, जो खान साहब की तरफ से स्टेटमेंट थी वो हमने दी थी कि जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं उनको हम टिकटों के लिए कंसिडर नहीं करेंगे। तो क्या फवाद चौधरी भी इस तलवार के नीचे आएंगे? देखे, जो जिसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको हम कंसिडर नहीं कर रहे, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है। रावलपिंडी में शेख शीर भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके हवाले से मुतजाद बयान आ रहे हैं, आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी है शेख रशीद से मतलब? देखिए, शेख रशीद साहब की अपनी वो अपनी पार्टी है और अपनी पार्टी से जो है वो से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अभी उस सिलसिले में कोई फैसला नहीं हुआ कि किसी और पार्टी को किसी सपोर्ट करना है कि नहीं, फिलहाल पीटीआई का इरादा यही है
कि हर कंस्टिट्यूएंसी पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, अपने नुमाइंदे खड़े करेंगे और कोई सीट खाली नहीं छोड़ेंगे। टिकट जारी करने पे अभी आप लोग किस पोजीशन पे पहुंचे? देखिए टिकटों के बारे में एक तो मैं आपको बता दूं, मुझे जिस तरह खबरें आई हैं तो कुछ लोगों ने कुछ लिस्टें आपसे शेयर की हैं, कुछ वैसे शेयर लिस्टें की है, किसी ने भी कोई लिस्ट अगर शेयर की है कोई नाम आया है वो बिल्कुल गलत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंशाल्लाह ताला वो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंशाल्लाह ताला सारा डिटेल देंगे आपके सामने, वो नाम साइन करके हम इलेक्शन कमीशन को भी देंगे, वेबसाइट पे भी चढ़ाएंगे, वही लोग होंगे जिसको पार्टी एट द एंड ऑफ द डे हम दस्तखत शुदा करके साइन करके देंगे। जो भी लिस्ट पहले आई है वो गलत है। दूसरी बात ये कि हम इलेक्शन जो टिकट्स है वो फाइनल कर रहे हैं दो चार दिनों में और उस पर कोशिश कर रहे हैं और उसे कंसल्टेशन हमारी जारी है और ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं, इंशाल्लाह एक दो दिनों में फैसला भी हो जाएगा। 9 मई के बाद बहुत से आपके लीडर और कारकुनान जो हैं वो रूपोश हैं, उसकी बड़ी वजह यही है कि जो उनके खिलाफ इकदाम हो रहे हैं, उनके लिए आप लोग कब कोई ऐसा कोई पैनल क्रिएट करेंगे? देखिए हमारे जितने भी लीडर थे वो लीडरों ने जहाँ जहाँ थे लीडर और वर्कर सपोर्टर सब ने अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए हैं, जिन लोगों पे केसेस थे वो बाहर आ चुके हैं और अदालत को जा चुके हैं और अदालतों से रिलीफ ले चुके हैं, या अगर वो नहीं है तो वो कल परसों में मुतालका अदालतों में जाकर के अपने आप को सरेंडर करेंगे। और हम तो पहले दिन से कहते रहे कि देखिए अगर इतना बड़ा वकूआ अगर आप समझते इसमें 10,000 लोग इन्वॉल्व है तो हमारा पहले दिन से यही है कि इसके आप इंक्वायरी करो और करो, लेकिन जिस पे भी कोई पर्चा है, लेट्स सपोज कल तक हमें नहीं पता था किसी एक को भी कि शाह साहब 12 और FIR में भी मतलूब है, कल पता चला रात को कि शाह साहब और केसेस में भी इन्वॉल्व है, तो ये पता नहीं किसने ऐसे FIR होगी जिसमें हमारी लीडरशिप इन्वॉल्व है। कल तक जितने केसेस थे लीडरशिप को जितने भी केसेस का पता है वो मुतालका हाई कोर्टों में जा रहे हैं और वहां से प्रोटेक्टिव बेल लाके मुतालका कोर्टों में पेश होंगे। ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी जब इमरान खान साहब से तफ्तीश के लिए रावलपिंडी पुलिस और पंजाब के दीगर डिस्ट्रिक्ट से पुलिस आती रही है तो उस दौरान बाकायदा तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब से भी तफ्तीश होती रही है, तो शाह महमूद साहब उनके वकला या उनकी फैमिली को कैसे इस बात का इल्म नहीं था कि शाह महमूद साहब 9 मई के वाकयात में नॉमिनेट हो? देखिए किसी भी केस में न कोई IO आया, न कोई पुलिस अफसर आया, न शाह महमूद कुरैशी साहब से इस किसी जो जय FIR-ों में कल जिसका तस्करा हुआ है न उनमें उन्होंने शामिल तफ्तीश करके किया है। ये तो उनका तस्करा है कि किसी के स्टेटमेंट पे उनको इन्वॉल्व किया गया और नॉमिनेट किया गया है। शाह साहब जितने अरसा तक यहाँ रहे हैं मेरे इलम के मुताबिक उससे कोई ऐसी तफ्तीश नहीं की गई थी इन केसेस के माले में, नहीं उनको और उनके खानदान को पता था कि किसी एक केस में वो इन्वॉल्व भी है, इन्वॉल्व कराया गया है। बताइएगा बल्ला आपको वापस मिला है साइबर केस में, दोनों मुलजमान की जमानतें हो चुकी हैं, अब आपको साइबर केस में हुक्म इम्तना भी मिला है, अदालतों से तो आपको रिलीफ मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो असल प्रोसेस है इलेक्शन का, इलेक्शन कमीशन से मुतमईन है आप जो उनकी कारकर्दगी? देखो इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से कोई मुतमईन नहीं, अगर मुतमईन होते तो देखो ये केयर टेकर सट हम हमारे साथ ये ज्यादतियां कर रही है। कल जिस तरीके से शाह महमूद को ऋषि साहब को आपने धक्के दिए ये तो ये कौम की रिवायात खत्म हो चुकी है, इसके साथ आपने उसके स्टेटस का ख्याल नहीं रखा, जितना अरसा वो पार्लियामान में रहे अपने लोगों की नुमाइंदगी करते रहे आपने उसका ख्याल नहीं रखा, जितने अरसा से पूरे दुनिया के फोरम पे वो इस मुल्क को रिप्रेजेंट करता रहा आपने उसका भी ख्याल नहीं रखा, बल्कि हमारे रिवायात भी हैं, हम अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं और वो एक जगह का सजादा नशीन है, हम उनके वैसे भी बड़ा इज्जत करते हैं, आपने उसका भी ख्याल नहीं रखा। मेरा ख्याल है ये केयर टेकर सेटअप सारी अकदारे बुला बैठी है और ऐसे बेअकदार हुकूमत से आपको क्या तवक्को होगी कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करेंगे? ये इलेक्शन की कमीशन की जिम्मेदारी है कि उस सिलसिले में वो इकदाम करे, इलेक्शन कमीशन को और इकदाम करने चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, इलेक्शन कमीशन को ग्राउंड पे होना चाहिए ताकि वो खुद भी ये जो वाकयात हो रहे हैं उसको देख ले। शुक्रिया जी, थैंक यू।